बागवानों पर मौसम ने इस बार कहर बरपाया है। मौसम के बिगड़े मिजाज से ओलावृष्टि ने अपर शिमला के सेब बहुल इलाकों में बागवानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। रविवार दोपहर बाद 5 से 25 मिनट तक ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। ओले ने फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचे बागवानों को गहरे जख्म दिए हैं। दोपहर को ठियोग, नारकंडा, रामपुर, जुब्बल, चौपाल सहित नेरवा तहसील की विभिन्न पंचायतों में ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने बताया है कि करीब 20 मिनट तक हुई ओलावृष्टि से सेब के पेड़ों में लगे फूल झड़ गए। पहली बार हो रही फ्लावरिंग से ओले में जो गिरावट हुई है उससे बागवान काफी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हैं। ओले गिरने से फ्लावरिंग के बाद जो सेब सेट हो गए थे उन्हें भी नुकसान हुआ है। कई जगह पर सेब के पत्ते तक झड़ गए हैं। हिमाचल के सेब बहुल 3 जिलों में शिमला, कुल्लू, मंडी में गत दिवस दोपहर बाद भारी ओलावृष्टि हुई है। अपर शिमला, कुल्लू के आनी और मंडी में फ्लावरिंग के बीच 5 से 25 मिनट तक ओले गिरने से करोड़ों की सेब फसल तबाह हो गई है। कई जगह सेब के फूल भी नहीं बल्कि पत्ते भी झड़ गए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में सालाना 4,000 करोड़ का सेब का कारोबार होता है, जबकि सेब की लगभग 70% फसल अपर शिमला में होती है। शिमला के ठियोग, नारकंडा, कोटखाई, जुब्बल, चौपाल, रोहडू, रामपुर और कुल्लू के आनी में फ्लावरिंग के बीच ओलावृष्टि से सेब पौधों से फूल झड़ गए हैं। मंडी शहर के अतिरिक्त जिले के अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि जबकि निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। ओला पड़ा और सारा काम तबाह कर दिया। अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अभी से आगे क्या बोल सकते, क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर कुछ सरकार हमारे को बेनिफिट दे तो हम सरकार के भी बहुत हमारे रह गए। उसको मिले खाद दवाइयों का खर्चा मिल जाए, फसल तो अगली साल लगे ना लगे तो खत्म है, बीमी खत्म है, अगली साल भी हो सकता है ना लगे फसल। सर हम जानना चाहेंगे ओला लगभग कितने मिनट चला? 15-20 मिनट ओला है कंटिन्यू, दोबारा भी चला है, हो सकता है दोबारा है। बागवानी विभाग शिमला के उपनिदेशक सुभाष चंद का कहना है कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में ओलावृष्टि को लेकर सोमवार को फील्ड स्टाफ से रिपोर्ट तलब की जाएगी, बागवानों को नियमानुसार राहत दी जाएगी। वहीं बता दें कि हिमाचल के मैदानी इलाकों में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि शिमला समेत मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 और 25 अप्रैल को एक दो स्थानों में बारिश होने के आसार हैं, इसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और पारे में उछाल आएगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।